प्रदेश की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार खरगोन आनंद नगर कपास मंडी में कपास मुहूर्त के पहले दिन ही हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। करीब 1.5 घंटे तक नीलामी रोकनी पड़ी। किसान मुहूर्त के भाव से नाराज नजर आए। सोमवार को कपास फसल खरीदी का श्री गणेश हुआ। सुबह 10 बजे विधायक रवि जोशी, पूर्व राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने मंडी सचिव और व्यापारियों की मौजूदगी में पूजन अर्चन कर नीलामी की शुरुआत। पहला वाहन 6,481 रुपए बिकने के बाद 5,550 रुपए बोली लगने पर किसान आक्रोशित हो गए। किसानों ने भावों को लेकर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख व्यापारी नीलामी बंद कर मंडी सचिव कक्ष में जा बैठे, जिसके बाद किसान भी मंडी सचिव कार्यालय के बाहर पहुंच गए। गुस्साए किसानों ने मंडी सचिव कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा कर मुख्यमंत्री हाय हाय, कृषि मंत्री हाय हाय के नारे लगाए। सचिव ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन किसान 8 से 10 हजार रुपए बोली लगाने की मांग पर अड़ गए। कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे चले प्रदर्शन के बाद दोबारा नीलामी शुरू हो सकी। मुहूर्त में 270 वाहन और 150 बैलगाड़ी से सफेद सोना मंडी पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। पहले दिन किसानों ने प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं भाव को लेकर, क्या मामला है? एक्चुअल में कुछ माल अभी गीला भी आ रहा है, गीला माल का भाव कम है और सूखे माल के भाव अच्छे हैं। शुरू में मुहूर्त में एक गाड़ी 6,451 तक गई है और सूखे माल 7,400 तक जा रहे हैं। अच्छे माल की क्वालिटी, जो पिछले साल का भी जो बचा हुआ माल है वो अच्छे भाव में जा रहा है और जो नया आ रहा है वो गीला है, मॉइस्चर के कारण थोड़ा रेट डाउन है। नहीं, हम लोग बातचीत करेंगे, अभी बातचीत कर रहे हैं, किसानों से भी बात करेंगे। भाव बढ़ने की उम्मीद है? गीले माल में तो कमी है, सूखे माल के भाव अच्छे हैं। तो आज का मुहूर्त सर, गीली गाड़ी कितने? 6,451 जी। क्या नाम लिखते हैं? लक्ष्मण सिंह ठाकुर। जैसा कि किसान सोच के आया था कि कम से कम 7,500 से 8,000 रुपए का भाव मिलना चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने 6,481 रुपए जो मंडी मुहूर्त की गाड़ी का बोली लगाई वो बहुत कम है, उम्मीद से कम भाव मिला, इसलिए किसान नाराज है। किसानों का ये भी कहना है कि आगे मौसम में गाड़ी नहीं होने देंगे। अब वो किसानों का डिसीजन है, क्योंकि 6,481 के बाद में आगे सुनने को मिला है कि 5,500 रुपए में भी गाड़ी गई है। पटेल साहब, आपकी कितने में गई है? 5,550। और कपास अच्छा था, वही कपास सूखा था, तो 1,000 रुपए एकदम से डिफरेंस आया, तो अभी तो पूरा दिन है तो भाव कहाँ जाएगा? साढ़े 7 से 8 हजार रुपए तो भाव होना चाहिए। ये कपास का रेट कम से कम 1,500 रुपए कम है। अश्विनी दांगी, खरगोन। मुहूर्त था, मुहूर्त बहुत ही सौहार्द पूर्ण वातावरण में पूरा हुआ और वाहन की आवक भी अच्छी रही। 300 वाहन से अधिक के आवक है, इसमें 100 वाहन तो पिछले साल के कपास के हैं और इस साल अभी नमी वाला माल आएगा। फिर भी नमी के हिसाब से अभी जो 6,400 से 6,500 का भाव है वो अच्छा भाव है, क्योंकि नमी के अंदर, कपास के अंदर दो जगह नमी होती है। एक तो नेचुरल फाइबर, क्योंकि वो प्राकृतिक रेशा है, उसमें 40% नमी आ सकती है, सोख सकता है, और फिर उसमें जो काटन सीड होता है वह 40% तक मतलब नमी सोख सकता है, इसलिए उस तुलना में नमी कम थी, इसलिए भाव जो है वो 6,500 से 6,700 तक के रहने की उम्मीद है आज मंडी में। और कपास में बहुत तेजी की संभावना फिलहाल में नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार और उनके उत्पादन बेहतर हैं, तो नियर अबाउट इसके आसपास पूरे साल, गए साल भी चला था और आशा है कि इस साल भी चलेगा। हर महीना देते हो भैया भाव कपास, जो कोई भाव है क्या इन एक काम यार का हमारा इतना भाव खुला है आज 6,000 बीघा 10,000 की उम्मीद रखी थी। अरे मोरिंग की गाड़ी को मतलब भाव कम मिले आप? हाँ, गाड़ी की उम्मीद लगा के बैठे थे हम। अब क्या करने जा रहा हूँ, देखो कहाँ है।
अरे खाद खारी दवा का भाव कहाँ है? बंद करो किसान मिलता है, किसान को क्या मिल रहा है? और ये भाव में तो हमारे घर मांग रहे थे, हम दिया नहीं हो। नहीं, उनका कहना है कि कपास गीला है इसलिए भाव कहाँ गीला है? अरे गीला कहाँ है? हमारे कपास है, उनका कपास है। मेरी बात सुनो, ये बरसात का पहले के बारिश के पहले का है, पूरा सूखा माल आप नमी चेक करवा लीजिए। इस रेट में क्या अभी 10 रुपए किलो तो मिल रहे हैं, तो बिना लग रहे हैं हमारे। अरे बरसात का पहले वो कपास, दो दिन हो जाए बरसात का पहले वो कपास से आए ले का बंद करा दो पहले। सबसे पहले तो आज के नए सीएम की मंडी के मुहूर्त में व्यापारियों किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और प्रथम गाड़ी जो आज मंडी की बिकी है वो 6481 रुपये बिकी है। चूँकि नया कपास मॉइस्चर वाला आ रहा है, नमी वाला आ रहा है, इसलिए कपास के भाव कम है। और जो पिछले साल का काफ़ी कपास बच गया था वो कपास भी आज मंडी में लगा, उसके भाव 7451 तक बेचा गया है, चूँकि वो सूखा कपास था। किसानों की जो मंडी रोकने की कारण है, उनकी भावना ये थी कपास के भाव ऊँचे मिले, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में रुई के भाव भी कम है और कॉटन सीड के भाव भी कम होने के कारण व्यापारियों की मजबूरी है कि कपास को उस मार्केट से बेच करके ही बेचना है। इस कारण से 6451 में 6481 में नए कपास बेचा गया है। भैया आज पहली बार जो है 25 साल में आधा टैक्स भी हुआ, तो उसका लाभ आधा परसेंट टैक्स होने का निसंदेह पूरा लाभ किसानों को ही जाएगा। हम लोगों का पिछले 3 साल से प्रयास चल रहा था, माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा से आग्रह किया जा रहा था कि इस मंडी टैक्स को कम किया जाए, उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए अभी मंडी टैक्स कम किया है। जो 1.70 रुपये मंडी टैक्स लग रहा था उसे अब 70 पैसे कर दिया गया है, तो 1 रुपये जो ओवरऑल जो कम हुआ है उसका पूरा प्रभाव इफेक्ट भाव का किसानों पर जाएगा, उतने कपास के भाव भी बढ़ेंगे। और जो अन्य क्षेत्रों से बाहर से भी कपास, अन्य राज्यों से कपास मध्य प्रदेश में आएगा और मध्य प्रदेश में जिन फैक्ट्रियों को भी ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और यहाँ के एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और अधिक से अधिक यहाँ कपास आगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। मंजीत सिंह चावला, अध्यक्ष मंडी व्यापारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।